क्या रे इंस्पेक्टर, आज यूनिफॉर्म में मुझे अरेस्ट करने आया क्या? ठीक कहा तूने, पहली बार तेरे खिलाफ कोई सबूत लेकर आया है। लेकिन इसे ये नहीं मालूम है कि मैं आप ही का आदमी। अच्छा हुआ ये कहीं और नहीं गया। क्यों रे डॉक्टर, जो बीमारी फैल रही है उसके बारे में सोच। इस देश के लिए अफसोस क्यों कर रहा तू? शहर के किसी भी कोने में अगर तू मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा तो इस दुनिया से उठ जाएगा। उसने खुद को बेच दिया होगा, पर अगर पुलिस कुछ नहीं कर सकती तो सारे सबूत मीडिया देखेगी और हिंदुस्तान फैसला करेगा। हाँ जीजू, मैं भैरव हूँ, भैरव। मैं लड़कियां बेचूं या लोगों को मारूं, कोई मुझसे सवाल नहीं करता। आज तू भले मुझे मार दे, पर बहुत जल्द तू कुत्ते की मौत मरेगा। हेलो जीजू, जीजू। कलकत्ता पर राज मेरा और मेरे भाई का है। जीजू, 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 जीजू। ए, तू डॉक्टर का साला है ना? उसके पास भैरव भाई के खिलाफ सबूत थे तो भाई ने उसे मार दिया। बॉडी वहां पर है, चाहिए तो ले जा। जीजू, 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 जीजू। ले और यहां से चलता बन। अगर तूने कंप्लेंट करने की कोशिश की तो तेरा भी यही हाल होगा और तेरी बहन का। अगर बच्चे हुए तो उन्हें भी मार देंगे। तुम में से भैरव कौन है? मैंने पूछा भैरव कौन है? कौन है भैरव? मैं हूं मैं। क्यों मारेगा तू मुझे? ए, अगर कलकत्ता के किसी चौराहे में बीच बाजार तुझे नहीं मारा ना तो मेरा नाम सिद्धार्थ, सिद्धार्थ नायक नहीं रहेगा। तो मुझे इतने लोग तेरे आगे गिड़गिड़ाए होंगे, तूने माफ किया उन्हें? मारो साले को, मार दो। ए, क्या कसूर था मेरे जीजा जी का? तेरे खिलाफ कंप्लेन की यही ना? अगले वीडियो में।